उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा। आज का समय ठोस रचनात्मक कार्यों का समय है। मैं जानता हूँ संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है, और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है। इसलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है, जिससे उन सभी सिद्धांतों, उद्देश्यों और आदर्शों की पूरी परख होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो। हिंदी के हितैषियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायित्व नहीं आया था जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से आया है। समस्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से हिंदी भाषा का जो मान किया है और हमारे संविधान ने उसे जो स्थान दिया है, वह हम सब के लिए एक सद्भावनापूर्ण चुनौती के समान है। यह निर्णय एक प्रकार से सभी हिंदी भाषियों और साहित्यिकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है। इस आदर को हम कैसे निभाएं, जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उक्त निर्णय के औचित्य को सिद्ध कर सके, यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्माण में इस देश के अनेकों यशस्वी विद्वानों और देशभक्तों ने योग दिया है। मैं समझता हूँ कि यद्यपि सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी, इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इससे एक ओर हिंदी और दूसरी भाषाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी ओर सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा। मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की दृष्टि से उचित होगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जिसके रजत जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है, 25 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में पदार्पण किया था। इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन की सेवाओं से भली प्रकार परिचित हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह रजत जयंती समारोह इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल देगा, जिससे वे साहित्य की समृद्धि द्वारा और हिंदी तथा अहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का वातावरण तैयार करके इस राज्य के लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की सेवा कर सकेंगे। मेरे विचार से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि
करके और सभी भाषा भाषियों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। कम से कम इस ओर सबका ध्यान आकृष्ट हो चुका है।